पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे किरारी लाल बैरवा आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो पत्र में कहा है उसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, 4.5 महीने में क्यों बीजेपी से मोह भंग हो गया। ये तो विचारधारा है, कांग्रेस के साथ हम लंबे टाइम रहे, महामारी जब वेल ना हुई तो हमने कह दिया तुम तुम्हारे घर रहो हमारे घर बीजेपी चले, बीजेपी में रहे लोकसभा पहले गए थे शायद पार्टी टिकट दी थी चौड़े थे पार्टी ने जो डिसीजन था हमें कोई दिक्कत नहीं और हमको उनकी टिकट क्यों थी जब उनके पुराने लोग कोई बात जब देखा तालमेल नहीं बैठ रहा है न वो हमको समझ पा रहे हैं न हमको समझ पा रहे हैं तो बैठ रही है घर से घर आए सचिन पायलट के माने जाते हैं, आपने सचिन पायलट का नाम भी पत्र में लिया है, किस तरह से देखते हैं फोन टैपिंग का मामला हो चाहे वो मानेसर वाली घटना उसके बाद 19 सितंबर वाली घटना हो जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वहाँ से आलाकमान ऑब्जर्वर को भेजता है जो मीटिंग नहीं करती और समान से मीटिंग वो शांति धारीवाल जब संसदीय कार्य मंत्री थे तो वो मीटिंग नहीं होती है कैसे देखते उसको? वो तो पूरा अनुशासित पार्टी के साथ खुली बगावत थी, अगर कोई बात कहता है कि पार्टी की अनुशासनता किसी व्यक्ति ने की तो मैं कहता हूँ 25 सितंबर को जो अनुशासनहीनता मुख्यमंत्री जी ने की उससे बड़ी कोई कहना मैंने अनुशासनता नहीं हो सकती, जो सब लोगों को अलग जगह भेज के और आला कमान के जो दो नुमाइंदे थे उनके साथ क्या नाम है कार्रवाई नहीं आप लगातार कहते हैं पार्टी का काम है, कई चीज़ें होती है कि कई फैसले सोच समझ के लिए जाते हैं तो मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि आला कमान को तय करना होता है आप, लेकिन मेरे से तो पूछने वाली बात यह कि वो क्या था तो वो अनुशासनहीनता थी। आपने कहा कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जीत पा पाए, दो बार वो दो अलग अलग जगह से लड़े फिर भी वो जीत पा नहीं पाए, वो ये तो अंडरस्टैंड बात है कि इससे एक भावना का पता चलता है, कोई छोटा चुनाव नहीं है, लोकसभा 25 लाख लोगों का वोटरों का वोट है, तो जब जनता आपके पक्ष में नहीं है आप खुद कहना मैं उस पर लगे हुए तो आपको समझ लेना चाहिए कि जनता मुझे विदा करना चाहती है तो घर बैठो भाई आगे दूसरी बांट दो उनको काम करना दो, कांग्रेस किसी की एक व्यक्ति की वो तो बहुत ही है नहीं, या तो जो आला कमान जिसको लगा भेजेगा इसको क्या मानते हैं आप कि किस तरह से सचिन पायलट को नीचे दिखाने के लिए फोन टैपिंग का मामला हुआ और आपने जो कहा कि अनुशासनहीनता पूरी तरह से उस पर तो कार्रवाई हुई नहीं, लंबी बात नहीं है, लंबी बात नहीं है, मानेसर से लेकर मातंत जो जिस तरह का वो किया गया सचिन पायलट को भागग्रस्त दिखाने के लिए बहुत प्रयास किए अष्ट प्रयास किए ये सब चीज़ें हुई, लेकिन आरोप है नेता है और सब लोग आज उसको भविष्य देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में 2-3 लोग हैं जो रास्ता को लीड करें, क्या लगता है कि इस तरह से 11 सीटें इस बार कांग्रेस की आ रही तो उसमें पूरा सचिन पायलट की कोई भूमिका थी जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया पूरे देश में किया सहयोग प्रसार को सब करा दिया, लेकिन पायलट देश का देखता है रास्ता रास्ता देश का, राहुल गांधी परिवार के बाद राहुल के बाद कोई नेता है वो है सचिन पायलट, पहले भी कहा है आज भी कह रहा आयोग के आप अध्यक्ष ने आपने कहा कि उसे एक संविधान आयोग का दर्जा दिया जाए, आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उस वक्त मांग की थी उन्होंने नहीं दिया, सचिन पायलट ने कहा कि दे देना चाहिए आयोग को, तो क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया? सचिन पायलट जी की कहा ही बात उन्होंने खुद कहा भाई दे देना चाहिए, 18% लोग हैं हमारे पूरा कांग्रेस का वोट पक्का वोट बैंक है तो क्यों देना चाहिए, तो ये उनकी जो हीनता है इस प्रति कम्युनिटी के प्रति जो है वो दिखाती है उससे वो ठीक देना चाहिए। खैर अभी मैंने पत्र में भजनलाल जी से भी इस बात का निवेदन किया है हमारे मुख्यमंत्री कि भाई ये दर्जा मिलना चाहिए, पेपर लीक का मामला हो चाहे RIS भर्ती हो SI भर्ती हो सब में सदन में भी मुद्दा उठा है तो आपके विधायक जो कांग्रेस के विधायक है वो भी मुद्दा उन्होंने कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए चाहे बड़ी मछलियाँ और छोटी मछलियों में पूरा मामला गया ऐसे इसको कैसे कि आप भी कहते हैं कि भाई मामला होना चाहिए चाहे कोई भी हो इसमें भाई जाँच होनी चाहिए और जवाबदेही चाहिए, कोई कितना ही बड़ा नेता हो अधिकारी हो जो गलती करेगा उसको सजा देनी चाहिए और फिर एक सीमा होती है कि गलती किस लेवल की है कि पेपर में कितने बड़े खिलवाड़ है युवाओं के साथ, पायलट साहब ने हमने पूरा मुद्दा उठाया था उसमें बड़ी बड़ी मीटिंगें की थी यात्रा भी निकाली थी तो हमने सरकार में रहते हमने डिमांड की थी तो हमने क्या गलत किया, तो आज जो चीज़ें हैं हालांकि उसमें गुजरात सरकार ने काफ़ी कुछ किया करीब 150 लोगों के आसपास को उन्होंने अरेस्ट किया तो इससे आज लोगों डर पे आपको बात
कि भाई कैसे, नहीं तो ऐसा सिस्टम हो गया कि कोई भी एग्जाम है और कोई भी जाकर बैठ गया और पेपर दिया जयराम जी। तो ये जो इस तरफ जो माहौल बढ़ा है और जो युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी और एक कुठाराघात जो देखने को मिला है, इसमें सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और मछली चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पक्का होना चाहिए, बड़ी मछली को ज़्यादा कहना इलाज होना चाहिए। नहीं, ये कहते हैं कि भरतपुर से विधायक आरोप लगे हैं, ये सदन में भी नाम गूंज आए। ये मुकेश भागर ने खुद सदन में, सदन के पटल पे कहा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय लेवल पर जो है गठबंधन है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। क्या देखो, व्यक्तिगत आरोप मैं किसी को नहीं लगाता और मैं कोई सदन का सदस्य भी नहीं, मैं तो ठाकुर आया हूँ, न बीजेपी में न कांग्रेस में। तो अब क्या नाम जो एज ए पब्लिक में जो दिमाग में आता है कि भाई ये गलत है ये सही, वो मुद्दा लेना। सचिन पायलट जहाँ भी जाते हैं भीड़ नजर आती है, क्या देखते हैं कि बहुत पब्लिक भीड़। अरे भाई, नेता है, उसमें योग्यता है, लोग पसंद करते हैं तो जाएंगे तो भीड़ तो होगी। अगला कदम रायलाल लेवा का क्या होने वाला है? अभी तो सुशांत की अरेस्ट करेंगे, इसके बाद सही वक्त में सही। तो ये थे हमारे साथ रायलाल बैरवा, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उनके जो बेटे हैं उनको वो जिता नहीं पाए, दो अलग अलग जगह चुनाव भी लड़वाया, लेकिन तो उनका जो है पब्लिक में परसेप्शन क्या बना हुआ है। अगर जननेता होते तो अपने बेटे को भी जिता पाते, कोई फोन टैपिंग का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, उन सब पर उन्होंने सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए सारी चीज़ें की। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका जो उद्देश्य था, उसके लिए उन्होंने ये सब प्रयास किए। अब आने वाले वक्त में खेड़ालाल बैरवा समय के साथ तय करेंगे कि वो किस और जाएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ।